हेलो एवरीवन, आज हम चले अपने मौसी के घर। सालों बाद भाई जा रहे हैं आज रामपुर मथुरा। अनुराधा को देखिए आ गई जमाई, इंतजार करते क्योंकि मानू हम लोग को वेट करा रहे थे। और ये रहा एकम, एकम ने चश्मे लगा के रेडी हो गया भाई, अब बस जाने की तैयारी होने लगी क्योंकि मानू आ गए तो अपनी गाड़ी लेके। अनुराधा पहले गई, बाद में हम गए जल्दी से तैयार होके। रास्ते में निकलते निकलते हम लोग ने ठूसने का इंतजाम कर लिया, अब बस चल दिए भाई अपने डेस्टिनेशन की ओर। और मानो ने आपको कोई किसी भी दे दी, और बस अब चलते हैं जल्दी से, पहले कुछ खान पी लेते हैं क्योंकि पेट बिल्कुल हो गया था खाली। जाने से पहले, पहुँचने से पहले ही हम लोग ने पेट पूजा कर ली थी, पहुँच गए हम रामपुर मथुरा। ये रहा नेक्स्ट दिन, मतलब एक ही दिन हम लोग रुके थे, उसके दूसरे दिन हम लोग निकल आए थे। तो ये मौसी हमारी मानो को प्यार करते हुए, मतलब मान सत्कार करते हुए, उसके बाद हम लोग निकल पड़े मौसी के घर से अपनी गाड़ी से। पहुँच गए फिर हम लोग दूसरे दिन अपने घर। घर के रास्ते में जाते जाते हो गया था एक लोग का एक्सीडेंट, जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे। उनके दोनों पैर में दिक्कत लग रही थी, लग रहा था कि पैर उनके टूट गए। वैसे क्या बताएं, ऐसे एक्सीडेंट तो हाईवे या होते रहते हैं, लेकिन तब भी आप भी कहीं जाइए तो सावधानी से जाइए। मिस्टर जी ने फिर हम लोग की हेल्प करी, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले एम्बुलेंस आई और बस उनको बैठा ला गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे अपने घर की ओर। और आप लोग से बस आज के ब्लॉग में यही कहूँगी कि हाईवे रोड पर आप भी कभी जाएँ, हाईवे या कहीं भी जाएँ, सावधानी से जाएँ, अपनी जान की रक्षा करते हुए जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने घर। आगे का ब्लॉग कुछ भी नहीं शूट किया था, तो ब्लॉग की शूटिंग बस यहीं तक की। तो मिलते हैं आपसे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।